EVS की बुक का फर्स्ट चैप्टर है माय फैमिली। मैं रीड करूँगी फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। माय नेम इज़ नील। आई लिव विद माय फादर, मदर एंड माय यंगर ब्रदर अक्षय। मेरा नाम नील है और मैं अपने मम्मी पापा और यंगर ब्रदर अक्षय के साथ रहता हूँ। दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। दे आर द पेरेंट्स ऑफ माई फादर, और ये किनके पेरेंट्स हैं? मेरे फादर के पेरेंट्स, ओके। माई मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर आर द पेरेंट्स ऑफ माई मदर। जो मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर जो हैं वो किसके पेरेंट्स हैं? मेरी मम्मा के, ओके। 9 सितंबर इज सेलिब्रेटेड अ ग्रैंड पेरेंट्स डे एवरी ईयर। डू यू नो? यस मैम। आपको पता है 9 सितंबर को एवरी ईयर ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। माय पैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल आंट आर माय फादर्स ब्रदर एंड हिज वाइफ। मेरे जो पैटर्नल अंकल हैं और जो पैटर्नल आंट हैं वो मेरे पापा के भाई और उनकी वाइफ, ओके। आपको पता है पैटर्नल जो होते हैं वो फादर के साइड के रिलेटिव्स होते हैं, और जो मैटर्नल जो होते हैं रिलेटिव वो मम्मी की साइड के होते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। माय मैटर्नल अंकल एंड मैटर्नल आंट आर माय मदर्स ब्रदर एंड हिज वाइफ। और जो मेरे मैटर्नल अंकल और आंट जो हैं वो मेरी मम्मी के भाई और उनकी वाइफ हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। आवर सरनेम इज आवर फैमिली नेम। आपको पता है जो हमारा सरनेम होता है वही हमारा फैमिली नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शर्मा हैं तो आपकी फैमिली नेम हो गया शर्मा फैमिली। जैसे मैं उपाध्याय हूँ तो मेरा हो गया उपाध्याय फैमिली। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये आपको पूछना है वॉज योर मदर सरनेम डिफरेंट बिफोर हर मैरिज। ये आपकी मम्मी से पूछना कि मम्मा आपकी शादी से पहले क्या सरनेम था या क्या था। राइट हर अर्लियर सरनेम, उनका अर्लियर सरनेम जो पहले जो सरनेम था वो लिखना है आपको। फाइंड आउट द सरनेम ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और अपने जो मम्मी के सर जो आपके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं नानी नाना जो हैं उनका सरनेम यहाँ लिखना है आपको, ओके। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग? योर फादर्स फादर्स, आपके फादर के फादर आपके कौन लगे? ग्रैंडफादर, ओके। योर फादर्स मदर? ग्रैंडमदर, यानी कि आपकी पापा की मम्मी आपकी क्या लगी? दादी, ओके। फादर्स एल्डर ब्रदर, आपके फादर के बड़े भाई आपके क्या लगे? ताऊजी। ताऊजी कौन लगे? ताऊजी। वैसे तो हम छोटे बड़े सभी को जो भाई होते हैं पापा के उनको अंकल बोल देते हैं, बट अगर वैसे देखा जाए तो जो बड़े भाई होते हैं उन्हें ताऊजी कहते हैं और जो छोटे भाई होते हैं उन्हें चाचा जी कहते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर क्या कहलाएंगे? फादर्स यंगर ब्रदर चाचा। चाचा। फादर सिस्टर आपकी क्या कहलाएंगी? बुआ। बुआ। आपके फादर की जो सिस्टर हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? बुआ। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैव? आपके जो ग्रैंड मैटरनल जो मम्मी के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि नानी नाना हैं उनके कितने बच्चे हैं? ओके, वॉट डू यू कॉल द फॉलोइंग? अब आपकी मम्मी के साइड के रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। योर मदर्स फादर, आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगे? नाना जी। क्या लगे? नाना जी। योर मदर्स मदर, आपकी मम्मी की मम्मी क्या लगी आपकी? नानी। नानी। मदर्स ब्रदर क्या लगे आपके? मामा। मामा। और मदर सिस्टर आपकी क्या लगी? मम्मी की बहन आपकी क्या लगी? मासी। मासी। इज इट क्लियर? यस मैम। ये सारे रिलेशंस हैं जो आपको मम्मी पापा के साइड के जो आपको समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं? यस मैम आ गए। ओके। अ स्मॉल फैमिली इज वन ऑफ द विच फादर मदर एंड हिज चिल्ड्रन लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। आपको पता है जो फैमिली जिस फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं वो फैमिली क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हिंदी में कहेंगे एकल परिवार जिसमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हों। इज इट क्लियर? यस मैम।
द मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स, और जो मम्मी पापा जो हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पेरेंट्स। और द चिल्ड्रंस आर कॉल्ड सिबलिंग्स, और जो उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाई बहन। ठीक है, बिग फैमिलीज इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। और बिग फैमिली में कौन कौन रहते हैं आपको पता है? जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? बड़ा परिवार जिसमें मतलब दादी भी हों, दादाजी भी हों, अंकल भी, मतलब चाचा, चाची, ताई, ताऊ और उनके बच्चे, जहाँ एक साथ रहते हैं वो कहलाती है हमारी जॉइंट फैमिली। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि सिंगल फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे, और जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें दादी, दादा, चाची, चाचा और उनके बच्चे एक साथ जिस घर में रहते हों वो कहलाती है जॉइंट फैमिली। अब आप देखिए आगे, लिस्ट द रिलेटिव हु लिव विद यू। आपको ये बुक पे ही फिल करनी है ये, कि आपके साथ जो रिलेटिव रहते हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, देन सेकंड है, लिस्ट एनी सिक्स रिलेटिव हु डू नॉट लिव विद यू, और ऐसे सिक्स रिलेटिव्स के नेम्स यहाँ लिखने हैं जो आपके साथ नहीं रहते। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल हम इसके आगे रीड करेंगे। ओके okay?